लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे 30 के किनारे स्थित डिंडौली गांव में वाइपर पर इंडिया के झंडे बनाने एक लकड़ी के प्लांट में संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के प्रचंड लपटों में करोड़ों की लागत की मशीनें और लकड़ी बिना उपकरण बने उपकरण जलकर खाक हो गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने फायर विभाग को आग लगने की सूचना दी और खुद भी आग बुझाने में जुट गए। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 9 गाड़ियों को आग बुझाने में घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात आग लगने से मौके पर उप जिलाधिकारी सदर्श विकास अंकवार, ईओ नगर पालिका आशीष कुमार सिंह, लेखपाल देवेश त्रिपाठी सहित मौके पर कई अधिकारी पहुंचे।